नमस्कार जी, हमारे साथ मनीष जी हैं। लेफ्ट साइड पैरालाइज है इनको, हाथ में दिक्कत ज्यादा है, चल पाते हैं अच्छे से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है, चल पाते हैं ये, और अच्छे से हो जाएंगे। हाथ की प्रॉब्लम ज्यादा है तो उसके लिए हमने ये एक डंडा लगा रखा है, ठीक है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी इलास्टिक है, ये एक्सरसाइज मनीष जी के लिए है। अगर आप लोगों को भी दिक्कत हो इसी तरह से पैरालाइज की तो आपके लिए ये बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल सिंपल है, डंडा है, ये इलास्टिक मिल जाती है और ये हमने मतलब डंडा लगा रखा है, हमने तो झाड़ू का ही डंडा लगा रखा है। आपके पास ही कुछ भी हो, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने इस तरह से डंडा लगा रखा है, इस तरह से पकड़ेंगे, जो हाथ का ग्रिप नहीं बनता ना, मनीष जी देख रहे हो ना, ये देखो मैंने ऐसे करके किया, हम अच्छे से आपका ग्रिप बना देंगे, ठीक है। इस तरह से पकड़ में आ गया ना, उसके बाद ये ऐसे करके, ये देखियो पूरा इलास्टिक, बहुत टाइट वाली नहीं है, बिल्कुल अच्छी इलास्टिक है। ये देखिए ऊपर, ठीक है, फिर नीचे, पांच बार ऐसे करना है, ठीक है, सीधे में हो गया, पांच बार, फिर हम ऐसे साइड ले लेंगे। ये देखिए पांच बार ऐसे हम हेल्प करेंगे मनीष जी की, ये देखिए पांच बार, ठीक है मनीष जी, ठीक है, पांच और पांच ये एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हम इस तरह से पलट जाएंगे, ठीक है। फिर ये हाथ यहाँ आ गया, ये देखो वन टू थ्री, पांच बार इस तरह से करना है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, ये देखो ऐसे हो गया, ये शोल्डर ट्विस्टिंग पांच बार ये करना है, ठीक है। अब मनीष जी करेंगे, आ जाओ मनीष जी, ये मैं ग्रिप बनवा देती हूँ आपका, कल नाखून काटने हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से ग्रिप बना दिया, अब ये फिंगर अगर इधर करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा ना, जैसे मैंने पकड़ा था, और अच्छे से करो। देखो एक बार अच्छे से पकड़ लिया, ठीक है, ये सीधी करो, हाँ हाँ, अब नीचे नीचे को खींचो, ये देखो गुड, कोई बात नहीं, ऐसे छूट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले पहले आप जैसे हम पास में ही खड़े हैं, ठीक है, तो या इस हाथ को ना बांध सकते हैं, ठीक है, इस हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध भी सकते हैं, ठीक है, या तो मैं खड़ी हूं, मैं देख लूंगी, चलो गुड, एकदम बढ़िया, यस, ध्यान रखना है कि इनको ये लगे नहीं, गुड। चलो अब मैं बताती हूँ इसको बांधेंगे कैसे, एक मिनट। ये देखो मनीष जी के हाथ पे हल्का सा कपड़ा बांध दिया है ताकि ये खुद करे और ये छूट के फेस पे ना लगे, क्योंकि इलास्टिक है, ठीक है, मनीष जी खुद करेंगे। ये देखिए मेरे भी मुंह पे ना लग जाए, चलो चलो करो करो, नीचे तक लग जाओ पूरा, यहाँ गुड, ठीक है। देखो हाथ के मसल स्ट्रांग होंगे क्योंकि ये बाजू या हाथ को बहुत समय से यूज नहीं कर रहे ना, तो मसल्स है जो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, ठीक है। अब साइड ले लो, ये वाली ऐसे में साइड ली थी ना फाइव टाइम, हाँ थोड़ा सा आगे आ जाओ थोड़ा सा, ऐसे करके बस अब इसको नीचे को खींचना है आपको, नीचे, हाँ यहाँ पर ले जाओ ना, यहाँ पर ले जाके टिका के रखो ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, हाँ अब ऊपर ले आओ, ले आओ, हाँ फिर से नीचे लेके जाओ, हाँ गुड, ठीक है, फिर से आ जाओ, हाँ अभी आप ना घूमो, जैसे मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे घूमी थी ना, वो वाला करो, ट्विस्टिंग करो शोल्डर की, मुड़ जाओ, आगे हो जाओ, हाँ ऐसे आगे आगे, अब हाथ को ऊपर करो, हाथ ऊपर भी इनका इस तरह से ऊपर नहीं जाता है, अब ऐसे खींचना है आपको, मैं खड़ी हूँ, लगने नहीं दूँ, खींचो आगे खींचो, हाँ ये देखो गुड, ये देखो गुड, मैंने हाथ रखा हुआ है कि उनको फेस पे ना लगे, मगर ये खुद कर रहे हैं, गुड मनीष जी, समझ गए ना, हाँ छोड़ो छोड़ो जरा, छोड़ दो, फिर से आ, तो बढ़िया बंदा हुआ है, ठीक है। ये पकड़ा ना, ये देखो पकड़ा मैंने ऐसे किया था ना, बस ऐसे करना है, ये शोल्डर की ट्विस्टिंग करनी है बस, चलो वैसे ही कटन के साथ भी हो जाएगी, हाँ थोड़ा और आगे आ जाओ, हटो, हाँ बस बस, अब खींचो उसको, हाँ बिल्कुल, अब क्या है कि आपको फेस की तरफ नहीं, ऐसे खींचनी, कोशिश करना कि फेस से दूर रखो इसको, ठीक है, चलो चलो, हाँ गुड गुड मनीष जी, ले अब हो गई एक्सरसाइज, ये बढ़िया, ठीक है, गुड 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 गुड, एक दो तीन चार पांच, गुड, ठीक है, चल कितने करोगे, दस करोगे, पचास भी हो जाएंगे, है ना, करना है, हाथ चल जाता अब तक, किया नहीं इसलिए कुछ नहीं हुआ है, चल ठीक है, नेक्स्ट कराती हूँ, जैसे ऐसे ऐसे, अब इस हाथ को करके देखो, ऐसे कर पा रहे हो ना, ऐसे करो इसको, इधर इधर, अब इधर भी, अब देखो उनकी ट्विस्टिंग ऐसे नहीं हो रही है, ठीक है, करो ये देखो, समझ गए ना, करो, हाँ मनीष जी ने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, तीन साल 2019 में इनको प्रॉब्लम हुई थी, आप करो अपना काम, ठीक है, तो वो
बैठा बैठा आप निकम्मा हो गया और कुछ नहीं है, अच्छे से इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, चल जाएगा ये अगर चलाएंगे तो। अगर आपको भी इसी तरह से कोई परेशानी है प्लीज छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जरूर करते रहिएगा। छोटी छोटी एक्सरसाइजों की बहुत बहुत वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। अब आप देखिएगा मनीष जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि ये सारा होमवर्क है इनका, ये घर पे करेंगे। गुड। अब मैं मनीष जी को ये कटन के साथ एक्सरसाइज बता रही हूँ। अगर आपको ठीक होना है पूरे जनून के साथ आपको ये एक्सरसाइज ये चीजें करने पड़ेंगी। अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिए कि मुझे बिल्कुल ठीक होना है और बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है ना मनीष जी। इस तरह से कटन होता है ना घर पे, ये देखो मैंने कटन पकड़ा, ठीक है ये रहा। इस तरह से आप अपने लेवल पे कटन पकड़ लेंगे ना, ये नीचे अगर ऊपर हाथ नहीं जा रहा ना कोई दिक्कत नहीं, ये सीधे हो गए, ये हो गए, यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है, पूरी ट्विस्टिंग हो रही है, ऐसे पकड़ा ना, ये हो गए, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर थोड़ा सा ले लेंगे, ये देखो मसल्स, ये पूरे मसल्स, ये देखो ये हो गया, ठीक है आ जाओ पकड़ो इसको। मैं पकड़ने में हेल्प कर दूंगी क्योंकि पकड़ मजबूत नहीं है। अगर कोई घर पे हेल्प करता है तो उसको बोल दो कि इस तरह से हाथ बांध दे, उन्होंने हाथ बांध दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे करो, पूरा मुड़ जाओ आगे को, आगे को मुड़ जाओ कुलदीप की तरफ, कुलदीप की तरफ पूरा मुड़ जाओ, पूरा मुड़ जाओ, ये हाथ सीधा कर दो बिल्कुल, ये समझ गए ना, ये देखिए पूरी ट्विस्टिंग हो गई, यहाँ पे खींच पड़ रही है ना ये पूरे, क्योंकि हाथ ही सीधा नहीं रखते आप, सीधा नहीं रखते हो ना हाथ, इसीलिए ये हो गया। फिर आगे मुड़ो, आगे की तरफ मुड़ जाओ, आगे हो जाओ, ये देखो ठीक है, छोड़ दो, फिर से पकड़ो, हाँ चलो बिल्कुल सीधा कर लेना हाथ जैसे पहले किया था, मुड़ जाओ, हाँ बिल्कुल, ये रहा। इसको पर्दे को पीछे से इस तरह से पकड़ना है, ठीक है समझ गए ना, चलो मनीष जी काफी टाइम से नीचे नहीं बैठे थे, अब 3 दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अभी इतनी हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प के साथ ये बैठ जाते हैं, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी बिना हेल्प के ही बैठे और उठे भी, ठीक है चलो।